2003ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಬೀರನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟೆ. ಕಬೀರನೇ ಏಕೆ? 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಈ ಅನುಭಾವಿ ಕವಿಯನ್ನೇಕೆ ನಾನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದೆ? ಬಹುಶಃ ಕಬೀರನತ್ತ ಹೋಗುವುದು ರಾಮನಿಂದ ದೂರ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವೋ ಏನೋ. ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟಿಸಲೆಂದೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆ ರಾಮನಿಂದ ದೂರ. ಆದರೆ ಕಬೀರನಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ರಾಮನನ್ನು ಕಂಡೆ. ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯದ ಮಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದವು. प्रार्थना की गई कि कोई भी कार सेवक अनुशासन न तोड़े और जो लोग गुंबद के ऊपर हैं वो नीचे उतर आए. राम जन्मभूमि जो तोड़े हैं हिंदू वाले, बाबरी मस्जिद बाबर ने बनाया था उसी को तोड़े हैं, उसी को तोड़कर तोड़े हैं, उसी को बता रहे हैं कि यही जो तोड़े हैं. जितनी जनता आई थी, लाखों आई जनता, तो लोग ये सीडी इसका खरीदते हैं देखते हैं. क्यों? क्योंकि जो है हिंदू और मुस्लिम का विवाद था. बाबरी मस्जिद जब बाबर ने बनवाया था तो विवाद था, तो उसको हिंदुओं ने इकट्ठा होकर के उसको तोड़ा.
इस खुशी में वो लोग देख रहे हैं और देखना पसंद करते हैं बार बार। हाँ, जैसे मान लीजिए हमारे पूर्वज की कोई जन्मभूमि हो, कोई कब्जा कर ले और तोड़ दे, तो हम लोग प्रेम से हमारे छोटे बच्चे या पीछे देखेंगे, नहीं देखेंगे कैसे तोड़ा गया था, कैसे इसको कब्जा किया गया था, उसी पसंद के से उसको देखते हैं। ऐतिहासिक चीज है हमारा। बहुत लोग खरीदते हैं? अरे खरीदने का अटता नहीं है, अटता ही नहीं है, इतनी बिक्री होती है, इतना सेल होता है कि ये मिलता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसी बात है। रोष भरा हो जनता को इस प्रकार से रखते तोड़ते हैं, जब तोड़ते हैं तो उसको मालूम होता ना कि रोष भरा हुआ, जनता देखती है कति कैसा हुआ कैसा हुआ, इस प्रकार से देखना पसंद करते हैं वहाँ क्या हुआ कैसे तोड़ा गया कैसे वहाँ। तो इसमें भी एक तरह का मनोरंजन? मनोरंजन है फिर भी अपने इतिहास से जुड़ा हुआ, पहले का जो बात दिया था, दोनों चीज़ें। सर्वप्रथम बाएं गुंबद पर एक और फिर दो नवयुवकों को देखा गया। बनवाया था क्या भाई साहब? ये तीनों गुंबद था जो दिखाई दे रहा है यहाँ टीवी में, ये तीनों गुंबद था जो बाबर ने ऊपर बाबरी मस्जिद का रूप दिया था, जो कि नीचे हिंदू का राम का ही मूर्ति थी, इस वजह से इसको तोड़ा गया, इसलिए कार सेवक ने यहाँ आए। 30 अक्टूबर 1990 को आपको लगता है ये अच्छी बात हुई? ये मस्जिद तोड़ दिया? हाँ, यहाँ चूँकि यहाँ बाबर का जन्म तो हुआ नहीं था, यहाँ तो रामचंद्र का जन्म हुआ था, इसलिए बाबर भी मस्जिद टूट गई तो अच्छी बात हुई। अच्छी बात। हाँ, आप भी जुड़े थे इसमें? हाँ, आप भी थे? हाँ, सब लोग थे यहाँ। अच्छा, आप भी चढ़े थे गुंबद? गुंबद पर कायदानी संख्या थी, करोड़ों में कई लाखों में जनता आई थी, यहाँ सरसों जमीन पर गिराइए नहीं गिरता था, इतनी जनता थी यहाँ, कितने लोग तो खुशी में उसमें टूट करके उसी के नीचे दब गए। और आप भी जुड़े थे इसमें? सब लोग जुड़े थे, हम लोग तो ईटा माटी लेके जाके दौड़े थे वहाँ पे, सब लोग ये थे। इसलिए यहाँ हिंदुओं के ठोस पहुँचता है कि बाबर ने ऊपर क्यों बनवा दिया, कहीं बगल में बनवाना चाहिए, भाई उनका धर्म ठीक है, उनका भी धर्म है, लेकिन बगल में बनवा के पूजा करनी है, उनके ऊपर हमारे स्तर पर थोड़ी मनाएंगे। लेकिन इसकी वजह से जो देश भर में इतने दंगे फसाद हुए, वो अच्छी बात हुई? नहीं तो अब क्या क्या करें, अब कमजोरी किए तो अपने माई की माई न कहें, हम अपने बाप को बाप न कहें, तो क्या ये अच्छा चीज़ है भाई? अपने रामचंद्र जी को हम रामचंद्र जी हम भगवान न माने, बाबर के बाप मान लें, रामचंद्र जी को न माने, क्या ये अच्छी बात है? जितने लोग ये प्रश्न कर रहे हैं उसी से मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या अपने बाप ऐसा नहीं हुआ क्या? सिया सुन्नी के बीच में बात नहीं हो रहा, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के बीच में क्या बात नहीं हुआ है? नहीं, मगर अच्छी बात है क्या? बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि आदमी अगर अपने हक के लिए लड़ रहा है तो फिर वो क्या कर रहा है भाई? तो कबीर दास जी जैसे कहते हैं कि घट घट में राम जी बसे, जी तो उनको ये मंदिर की क्या जरूरत है? दोनों पक्ष में बस रहे हैं। हाँ, ये दोनों पक्ष को सोचना चाहिए, ये तो दोनों पक्ष के क्या नहीं, तो घट घट में सिर्फ राम ही है, अल्लाह नहीं घट घट में, अल्लाह भी तो है, दोनों पक्ष के सोचना चाहिए। हाँ, अल्लाह नहीं घट घट में, राम रहे दोनों, नहीं ठीक है, ये भी ठीक है। सवाल इस बात का है कि यह सिर्फ अहंकार का टकराव है? अहंकार ईगो उसी का टकराव, क्योंकि वो अटैकर हैं, रावर्स हैं, और वो जब आए इस देश के ऊपर उन्होंने कब्जा किया, कब्जा करने के बाद उन्होंने यहाँ के कल्चर को नष्ट करना चाहा, यहाँ के संस्कृति को तोड़ना चाहा। क्या जरूरत थी उनको मस्जिद बनाने के लिए? इस देश में 68 लाख जो है हेक्टेयर जमीन पड़ी हुई है, जो कि आज भी कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग की जाती है। कभी भी दैने बाय बन सकता था वहाँ वो कहीं बना सकते हैं, ये तो कोई जो नहीं कि हम आपके घर के ऊपर ही घर बनाएं, ये तो उनकी आक्रामकता है, अटैकिंग जो है उनके अंदर जो है। पर इतनी भूली बिसरी बात, पुरानी बात, उसको गले मुर्दे उखाड़ने, आज उखाड़ के लोगों के जीव जा रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, देश की प्रगति में नाश हो रहा है, क्या जरूरत है? जस्ट सवाल इस बात का है कि यह बातें भूली बिसरी नहीं है, यह 1529 में जब यहाँ पर मीर बाकी ने मस्जिद बनवाया, ये लड़ाई तो हम तब से लड़ रहे हैं। तो ये हमारा अहम है कि हम भूलते नहीं? हाँ जी, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, क्यों भूलें अपने बाप को? हम क्यों भूलें अपने आस्था को? क्यों भूलें? हम कहते हैं नहीं ठीक है, ये आस्था है कि आस्था है? नहीं, आस्था है, हमारी तो आस्था उनकी है, अहम उनका है, आस्था हमारी है, उनका अहम है कि नहीं हम कब्जा करें, हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारी आस्था है, जो हमारी चीज है हम उसको वापस लेंगे, चाहे किसी कीमत पर, देश रहे या जाए उसकी चिंता नहीं है, हम उसको वापस लेंगे, चाहे कोर्ट से मिले न मिले, बल से मिले, ताकत से मिलेगी। हाँ।
क्या बेच रहे हो बच्चे? अल्बम क्या है? वो अल्बम है राम जन्मभूमि का, राम जन्मी भूमि का फोटो बेच रहे हो? फोटो मस्जिद कैसे तोड़ी? बिकता है? अभी बरसात हुआ, अभी बिका नहीं। इलाका जी दो चार घर मोहन का, पहले तो 2-4 हजार थे और आज अब आज 200-400 होंगे, बस बहुत लोग कम हो गए। नहीं जो 90 वाला झगड़ा हुआ था 92 में, 6 दिसंबर 92 को, उसमें इन लोगों का घर फूंक दिए थे लोग ना, घर सब जल गए थे, तो अभी से लोग फोड़ दिए मतलब। राम में बहुत आस्था है, मैं हिंदू आदमी हूँ, वो भी ब्राह्मण है, भगवान की तो आस्था बहुत है, मैं राम को मानता हूँ, राम के खिलाफ कोई एक शब्द मैं सुनने के लिए नहीं तैयार हूँ। और सकल हंस में राम विराजे, अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं, अरे सवर बंड में जोत का वासा, राम को सुन रहा दूजा नहीं, हाँ सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुन रहा दूजा नहीं, सकल हंस में राम विराजे, अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। विशेषवाद ಒಂದು ಧ್ವನಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲ್ವಾಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಬೇರೆ ರಾಮನನ್ನು ಹಾಡುವ ಧ್ವನಿ, ಆ ಸಬರ್ ಬಂಡ್ ಮೇ ಜೋತ್ ಕಾ ವಾಸಾ, ರಾಮ್ ಕೋ ಸುನ್ ರಾನ ದೂಜಾ ನಹೀ, ಅರೆ ತಿನ್ ಗುಣ ಪರತೇ ದೇ ಹಮಾರಾ। उसे राम कहें, कृष्ण कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, वाहेगुरु कहें, और जो भी कुछ पता नहीं, जो जो जिसके मन में आए, जो कहो पर है वही, फिर भी कभी हम एक दूसरा के बीच में दूरी पैदा करा, एक दूसरा के अलग करा के, नहीं हमारा तो भगवान ही है, इनका वही उनका नहीं उनका, तो बताओ क्यों कहें। ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ತಿಪ್ಪಾನಿಯಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಾಲ್ವಾದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಬೀರ್ ಗಾಯಕರು. परखने के लिए इस शहर की बात करी, इस शहर में खोज, इस मंदिर में खोज, तो इसलिए आगे यूं कहा है, अरे हीरा जो मोती लाले जवारत, अरे प्रेम पदारत पर को यही, प्रेम पदारत पर को यही,
पांच मोती सुमर लेना राम धनी से मारी डोरे लगी ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಊರಾದ ಲುಣ್ಯಾಖೇಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅವರ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ತುಂಬ ದಲಿತ ನಾಯಕರಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಕಬೀರ ಅವರ ಪ್ರಶಂಸೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಮನನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೋ? 27 ಕೋ ರಖಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಪರಂತು ಹಮಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 26 ಕೋ ಭೀ ಹೈ. ಆಪ್ಕೆ ಯಹಾಂ ಸಗುನ್ ಕಿ ಪರಂಪರಾ ಜ್ಯಾದಾ ಹೈ ಆಪ್ನೆ ಕಹಾ. ಹಾಂ ಸಿರ್ಗುನ್ ज्यादा है और आपको निर्गुण से लगा, इसीलिए टिपानिया जी को बुला रहे हैं आप. तो निर्गुण से आपको क्यों लगाओ? सत्य है निर्गुण और सिरगुण मानते नहीं इसको. सिरगुण सिरगुण सत्य नहीं है. अच्छा सिरगुण सत्य क्यों नहीं है? साहब जी सब छापी हुई है, पंडितों की कला है. अच्छा अच्छा ब्राह्मणों के नहीं. ठीक है अपन ब्राह्मणों को अपने इसमें नहीं रखे. सगुण का मतलब ब्राह्मण तो नहीं होता. सगुण का मतलब होता ऐसी चीजें जो दिखाई देती हैं, जो गुणयुक्त होती है. तो शरीर भी तो सगुण है, तो शरीर क्या झूठ है? जैसे जो लोग सिरगुण को मानते हैं वो किस चीज को मानते हैं? भगवान राम को, कृष्ण को. अच्छा ठीक है. और फिर निर्गुण को मानने वाले किस को मानते हैं? निर्गुण को मानने वाले संतों ने बताया शब्द नाम को मानते हैं. अब नाम कौन सा? गुरु जो देते हैं सब. अच्छा तो नाम तो बहुत है, जमाने भर के नाम है. कबीर ने कहा था कि अनंत नाम, अनंत नाम, अनंत नाम जो ब्रह्म का और ताका वार न पार. और मन माने सो लीजिए कहें कबीर विचार. कबीर ने ऐसा कहा. तो मन को यदि राम का नाम भाग गया तो क्या होगा? क्या वो सगुण को मान रहा है? तो कबीर ने भी कहा है, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि निर्गुण सगुण कुछ अंतर नहीं. परंतु हमारे मन में जैसे सगुण की बात आती है तो हम केवल यूं ही क्यों देख लेते हैं कि वो तो राम के बारे में बात करी या कृष्ण के बारे में बात करी. कौन सा साहब जी वो मूर्तियां जो बनी हुई रहती है वो उसके अंदर क्या है? मूर्ति बनी हुई उससे किसी को छूने नहीं देते क्या? छुआछूत रखते हैं उससे, मूर्ति से. हाँ मन कोई दूसरा आदमी छू नहीं सकता है. सुनो राम को साकार रूप मूर्ति के रूप में मत मानो. रामायण में चौपाई है राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी. अभी साहब ने बताया नहीं कि मन और बुद्धि की भी वहां पहुंचनी है तो वो राम है. अपन राम उसको ही मत सोचो कि जो राजा दशरथ का पुत्र था और सीता जी का पति था जिनने धनुष तोड़िया या रावण को मारिया, वो राम नहीं है. उसको नहीं मानना है, वो तो सब था अब नहीं है. उस राम को मानना है जो सबके अंतर में वास कर रिया है. संत कहे सग राम राम ने भूल्यो की कर भूल्या भूंडो वसी मान खोजासी बीखर मोरा पड़ सी टाकिया तो ऊपर लद सी लून चढ़ासी सामी सीखर. संत कहे सग राम राम ने भूल्यो की कर. वो संत कहे सगराम राम ने भूल्यो की कर, मतलब उस माली को कैसे भूल गया तू? की कर मतलब क्यों? हाँ क्यों भूल गया? अच्छा। जिसने तेरे को ऐसा अनमोल जन्म दिया है. हाँ। कुछ करने के लिए जमीन पे भेजा. अच्छा। और तू नहीं करेगा तो आगे की बताया उसने. अच्छा।
आगे क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, जैसे वो गधे पे लून नमक लद के और फिर वो सामने पहाड़ पे चढ़ाते ना, ऐसे ही तेरी हालत होगी। चदरिया झीनी रे झीनी ನಾನು ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪೂಗಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮಿರಾಸಿ ಗಾಯಕರಾದ ಮುಕ್ತಿಯಾರ್ ಅಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ. बहुत खूब खूब है। तो ये उल्टी बानी का क्या मायना? माना ये उल्टी है कि बरसे कमड़ियो भीज आसमान, जो इंसान का जो अंदर भीजता ना, जब शरीर को पानी मिलता है आसमान से, वो बना बरसे कमलिए कमलिया, कमल क्या होता है, फूल होता है इंसान के अंदर में, इंसान के दिल में, दिल में वो सब शरीर को पानी देता है, रोटी देता है। ये सब दादा आपने कहाँ सीखा? मैंने कहा कोई कि इंग्लैंड से थोड़ी सीखे, हम तो यही सीखे हैं। इंग्लैंड हम गए भी नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि जागरण और सत्संग दो चीज़ें होती है, और दोनों में क्या है कि हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल होते हैं उनमें। जैसे गांव में तो पूरा एकदम है, अगर 15-20 मुसलमान हर जागरण में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, उससे ज़्यादा ही। और वहाँ क्या है कि हमारे क्या है कि 12 बजे तक तो भजन चलेंगे देवी देवताओं के, जैसे मान लो हनुमान जी के चल रहे हैं या किसी रामचंद्र जी भगवान के चल रहे हैं या कोई, उस 12 बजे के बाद में क्या है फिर संतों की बात चलेगी वहाँ, और इन पे फिर क्या है कि बहस होती है लोगों की, भजन तो एक ही गाया जाएगा लेकिन चर्चा कम से कम 2 घंटे चलेगी, 2 घंटे चलेगी, वो संतों की बात है जी उसमें, चाहे कबीर ले लो, चाहे बुल्ले शाह ले लो, चाहे शाह हुसैन ले लो, चाहे शाह बाऊ ले लो, उन लोगों ने उन धर्म को अलग रख के जो उन्होंने खुद ने महसूस किया है वो बातें होंगी। सूफिया में यही है मकसद के, उसमें ना तो कृष्ण जी का नाम है कहीं, ना ही कहीं अल्लाह का नाम है। अच्छा। ना ही कहीं राम का नाम है, वो एक प्यार का रिश्ता है उसमें, प्रेम का रिश्ता है मालिक को, वो एक अपने मासूक के रूप में उन्होंने माना, वो है सूफिया। और की मंगना मैं रब को लू, मंगना मैं रब को लूं, नित खैर मंगा तेरे दम भी, आहा
नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया, वे तेरी दुआ ना कोई और मंगदी मैं नित नित खैर। और सूफिया ना वो है जिसने हदीस को तोड़ दिया। हदीस मतलब वो धर्म की किताब है, कुरान धर्म की किताब है, कलाम धर्मों की किताब के हिसाब से कवाली चलेगी। और सूफिया ना है वो उससे बंदा हुआ, वो अलग है। बात होगी सिर्फ मालिक की कि सबका मालिक है। सारे सपोर्ट हटा दिए, सारे सपोर्ट जितने होते हैं ना, जैसे जब धर्मों के सपोर्ट सब हटा देते हैं, वो डायरेक्टली बात है। तेरे प्यार दिता जदों का सहारा वे, तेरे प्यार दिता, तेरे प्यार दिता जदों का सहारा वे, सहारा तेरे प्यार दिता जदों का सहारा वे, माया भूल गया मैनू जग सारा वे, माया भूल गया मैनू जग सारा वे, खुशी ए हो मैनू, खुशी ए हो मैनू सजना बतेरी दुआ ना कोई और मंगी, खुशी ए हो मैनू, खुशी ए हो मैनू सजना बतेरी दुआ ना कोई और मंगी, मैं नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया वे, तेरी दुआ ना कोई और मंगी। तू मिलिया ते मिल की खुदाई वे, खुदाई वे हथ जोड़ आखा पाई ना जुदाई वे, हथ जोड़ आखा पाई ना जुदाई वे, मर जावांगी जे, मर जावांगी जे, मर जावांगी जे अख मेरी तेरी दुआ ना कोई और मंगी। देखिए जब मैं मोमडन हूँ तो लोग तो ये चाहते हैं ना कि ये गाना बजाना खराब है, और मैं ये नहीं करूँ। वो रोक टोक कौन लोग करेंगे जो थोड़ा कट्टरता रखेगा, या मौलवी है कोई, पूरे मुसलमान नहीं रखेंगे। अच्छा। जैसे मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं है उर्दू कुरान, तो वो उस पर रोक टोक नहीं करेगा। इस्लाम में गाना मना नहीं है ये मैं कहता हूँ, क्योंकि अगर इस्लाम में गाना मना होता तो ख्वाजा साहब कव्वाली नहीं सुनते। इस्लाम में गाना मना होता तो बुल्ले शाह चूड़ियाँ पहन के नाचता नहीं। बुल्ले शाह के गुरु ने बोल दिया था कि आपको तो, अरे यार भगवान तो नाचने से मिल सकता है, खुदा तो नाचने से मिल सकता है, उसने नाचना शुरू कर दिया और उसी में उसने उसको पा लिया। अब बुल्ले शाह का मैं कलाम गाऊंगा ना तो एकदम पूरी बात फिट, मतलब भंगे कहाँ होगा उसका, मौलवी पे होगा, जो वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला है उस पे होगा उसकी सीधा चोट। और उन्होंने इस गाने को हराम किया, बाकी अल्लाह के घर से गाना हराम नहीं। अगर अल्लाह के घर से गाना आराम होता तो पैदा ही नहीं करता, पैदा ही नहीं करता वो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, कबीर जी कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, तो पंडित भया नहीं को, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। बुल्ले शाह कहते हैं इसी बात को, पढ़ पढ़ आलम फाजल बने हो, पढ़ पढ़ आलम फाजल बने हो, कदी अपने आप नु पढ़ियाई नहीं, भज भज वड़ दे मंदिर मसीती, कदी दिल अपने तू वड़ियाई नहीं, रोज शैतान नल लड़ना है, कदी नफ्स अपने नल लड़ियाई नहीं,
आसमानी उड़दियां फड़दा है ओ जड़ा घर बैठा उन्हें फड़या नहीं। पंथ में मैं दो लड़कों से मिला हूँ, दोनों ने तो वो रूढ़िवाद गांव से अलग है दोनों। वो मतलब वो बता रहा था मेरे को 8-10 उसने वो ग्रंथ भी बताए कबीर के, और मैं उस पर अध्ययन कर रहा हूँ, मैंने गुरु बनाया है। और फिर वो क्या है कि झाड़े फूंके देना शुरू कर दिया उसने, लोगों को बुलाता है झाड़े देता है, फिर पंथ चलाना भी शुरू कर दिया। पंथ तो अब क्या पता, तो ये कबीर दूसरा है या वो कबीर है। कबीर तो वही है, लोगों के मत अलग अलग है। कबीर वही है, लोगों के मत अलग है। कबीरा कबीरा क्या करो सोचो आप शरीर, पांचों इंद्री बस में करो तो वो ही दास कबीर। दोनों मेरे से क्या है वो मोली बंधवा के ले गए। अच्छा अच्छा, क्या बंधवा के ले गए? वो मतलब बंधवाते हैं यहाँ भाई, तुम हमारे इस हारमोनियम के गुरु हो। हारमोनियम के गुरु? हाँ, दूसरे गुरु नहीं, हारमोनियम के गुरु। ठीक है, हारमोनियम को पढ़ सकता हूँ, दूसरा गुरु तो मैं आपको पढ़ ही नहीं सकता। गमावत गमावत गमा दिया जद हीरो रहयो एक, आयो हीरा रो पार खू जद रोयो माथो टेक, रोयो माथो टेक एड़ा मैं घणई गमाया, साध कहे सगराम हाथ में हीरा आया। मेरे पिताजी थोड़ी कट्टरता रखते हैं। अच्छा। वो वैसे जागरणों में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, लेकिन अब क्या है वो बुढ़े हुए ना, जैसे जैसे ज्यादा कट्टर होते जा रहे हैं, तो उनकी मेरे साथ क्या झगड़ा रहता है उनका। मैं क्या है नमाजें पढ़ने के लिए जाता नहीं हूँ। अब लोग भी कहते हैं ये लड़का तुम्हारा एकदम इस्लाम से खिलाफ चल रहा है, उनको कहते हैं इनको आप सीधे रास्ते पे लो, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मैं ये सोचता हूँ मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो आपका रुझान यहाँ कैसे हुआ? रुझान तो ये मैंने आपको बताया नहीं, संगीत से हुआ। लेकिन संगीत तो आपके पिताजी भी गाते हैं, आपके दादाजी भी गाते हैं। उनका भी रुझान था, लेकिन ये सुन्नी और शिया का झगड़ा पड़ा तो पिताजी उसमें उलझ गए। वो बाद में थोड़ा उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। भाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, आप वो बात है। बस वही बात है, और संसार में जो इस बात को समझ जाएगा वो शायद यहाँ कुछ करके जाएगा, यो अच्छा जीवन जी के जाएगा, लोगों के लिए कुछ छोड़ के जाएगा। और ये बातें नहीं समझेगा तो ठीक है, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकता है या परिवार के लिए कुछ कर सकता है, लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता और अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही मर जाएगा दौड़ता भागता हुआ, संतुष्टि उसको मिलेगी। Thank you.
और बाकी एक बात और है, जैसे कोई इस्लाम की बात करता है या कोई तकरीर चलती है भाषणबाजी इस्लाम के बारे में, जैसे वो, लेकिन मैंने कभी अटेंड नहीं किया उसको। हमने भी नहीं किया आज तक, मैंने मेरा मन ही नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है इंसान का दिल, अपन गलत काम करेंगे ना तो दिल अपने को मना करेगा जरूर, ये गलत कर रहे हो, और वही धर्म है। मैं तो ಕಬೀರ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ರಾಮನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿ ಎಂದು. ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ಹಲವಾರು ರಾಮರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಮನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು? ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅನೇಕ ಕಬೀರರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಕಬೀರ ಎಂಬುದು ಅರಬ್ಬಿ ಪದ, ಖುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಲ್ಲಾನ 99 ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಜನ್ಮಕಥೆ ಒಂದು. ಕಬೀರ 15 ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೇಕಾರರ ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಒಪ್ಪುವ ಕಥೆ ಇದು. तो आपने आपकी शॉप का नाम कबीर कैसे चुना? मेरे बेटे का नाम कबीर है, मैंने कबीर साइज कर दिया। आपका नाम कबीर? वो आप ही के कम्युनिटी के आदमी थे? डिफरेंट इसके बारे में वो है। अच्छा। कुछ लोग कहते सॉरी मुस्लिम थे, कुछ कहते हैं नॉन मुस्लिम थे, ये मतलब आज तक मतलब डिसाइड नहीं हो पाया कि व्हाट्स द एक्चुअल रिलीजियस इज बिलोंग मिस्टर कबीर। हमारी कम्युनिटी ये महसूस नहीं करती कबीर दास जो हमारे बड़े थे या हमारे पूर्वज थे, ऐसा कुछ नहीं। कोई बुनकर ये नहीं कहेंगे कि कबीर दास जी हमारे समाज थे, वो एक संत थे, महान थे, वो एक कवि थे। या हमारी कम्युनिटी ठीक ढंग से उनको ये भी नहीं मानती कि वो मुस्लिम थे। नमाज रोज़ा कुछ नहीं किया, सब त्याग दिया, इसलिए तवज्जो नहीं दिया ना दिल से लगाया, त्याग दिया। हमारे धर्म में कुछ बाउंडेशन है, उन बाउंडेशन से बाहर नहीं जाना है, ये होता है। और कबीर उस बाउंडेशन के काफी बाहर, मतलब काफी बाहर तो मैं नहीं मानता, लेकिन उन्होंने सबको साथ लेने की कोशिश की। वो हिंदू थे मगर मान के सबको चलते थे। अच्छा। सबको ज्वाइन लेके चलते थे। लेकिन अगर हिंदू थे तो उनका नाम कबीर कैसे पड़ा? कबीर तो आप फिर हम आपसे सवाल करेंगे आपका नाम शबनम क्यों पड़ा। खेल तो कर दे हम चलना नीचे बड़ा भाई, खेल तो कर दे हम चलना नीचे बड़ा भाई, धूम ताप साप तार जल म्या सब पीछे माई मगन, ये चला मेरा भाई मगन वे ये चला। जन्म कथे 2। कबीरा
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ಆದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ. ಕಬೀರ್ ಜೊ ಹೈ ಏಕ್ ಬಹನ್ ಕಿ ಲಡ್ಕಿ ಪೇಟ್ ಸೆ ಪೈದಾ ಭೈ ಏಕ್ ವಿಧವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಕೆ ಪೇಟ್ ಸೆ ಪೈದಾ ಜೊ ಪೈದಾ ಹೋ ಗಯಾ ಬಡಾ ಖೂಬ್ಸೂರತ್ ಉಸ್ಕೊ ಲಿಯಾ ಕೆ ಯೆ ಪೋಖರಾ ಹೈ ಲಹರ್ ತಾರಾ ನಾಮಕ ತಾಲಾಬ್ ಮೇ ಡಾ ಲಹತಾರಾ ಪೋಖರಾ ಹೈ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ವಹೀ ಚುಪ್ಪೆ ಸೆ ಭೋರ್ ಮೇ ಲಿಯಾ ಕೆ ರಖ್ ಕೆ ಚಲೆ ಗಯೆ अब रो रहे हैं क्या क्या रो रहे हैं वहाँ अली या नीरू नाम का एक जुलाहा बुनकर आते रहे लेकिन रोता हुआ तो औरत ने कान में आवाज़ गई तू लपक के गई कि बड़ा खूबसूरत बच्चा रो रहा उठा ली गोदी लिया के बुनकर पालिश बस यही गमछा बीनने का कपड़ा बीनने का काम से अब वो बड़े भाई तो अब वो फकीरी लाइन में उतरे कबीर साहब का मन जो है लगता नहीं और फकीरी लाइन में जब उतरे तो वो दोनों पंथ में हो गए पहले अंसारी के यहाँ जुलहे के यहाँ रहे बाबाइन के लड़के हाँ हिंदू और मुसलमान के दोनों विरोधी थे दोनों को वो लेके चले अरे ये दोनों राह न पाई अरे ये दोनों राह न पाई कबीरदास वैसा तो मूर्ख समझे नहीं मगन वे चला मेरा भाई मगन वे चला मेरा जन्म कथे मूरु ಧರ್ಮದಾಸಿ ಕಬೀರ ಪಂಥದವರ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಹತಾರ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಕಬೀರ ಬೆಳಕಿನ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಉತ್ತರ ಆಸಮಾನ ಸೆ ಏಕ ನೂರ್ ಕಾ ಗೋಲಾ ಕಮಲ್ ದಲ್ ಪರ್ ವೋ ಆಕೆ ಬನ್ ಗಯಾ ಬಾಲಕ್ ಬಹಾನಾ ಹೋ ತೋ ಐಸಾ ಹೋ धन्य कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए कहते हैं वो ब्राह्मण विधवा के कोख से जन्मे थे ये गलत है तो ब्राह्मणीन के कोख से अगर कहीं प्रकट होता तो ब्राह्मणीन का नाम भी तो प्रख्यात होता तो कल्पना है ब्राह्मणी की घरवाली तो कल्पना की किसी ने दिखाई ये तो सबने देखा इसको तो ये अष्टानंद स्वामी ने डायरेक्ट देखा आपकी धारा में ये नहीं मानते कि कबीर साहब एक साधारण पुरुष थे हम महान पुरुष हम मानते हैं इस संसार के जो रचना करने वाला या जो है सतपुरुष सदगुरु कबीर साहब ही है तो हमारे ये जो वेदों में प्रमाणित आते हैं तो महादेव से पार्वती पूछती है ये प्रभु आप एकांत में जाकर के किन महान पुरुष का भजन करते हैं पूजा करते हैं तो महादेव पार्वती को एक एक करके समझाते हैं कि ये तीन अक्षर का जो स्वामी है जिसको कहते हैं कबीर मैं इन्हीं का मैं भजन पूजन करता हूँ ये सामवेद में आया है अच्छा अथर्वण वेद में भी कहते हैं अक्षरम तृतीयम स्वामी कबीर एति शोभे जन्म कथे नाल्कु ब्रह्मलीन मुनि ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಕವೀರ ಚರಿತಂ ಪ್ರಕಾರ ಕಬೀರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವೇ ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸಿದ ನೀರು ನಿಮ ಪಹಲೆ ಜನಮ ಕೆ ಜೊ ಹೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿನ್ ಥಾ ಅಚ್ಛಾ ಆಯಿ ಬಾತ್ ಸಮಜ್ ಮೇ ಯೆ ಪಹಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ್ ಮೇ ಥಾ ಜೊ ಜೊಲಾಹಾ ಕಾ ಕೋಯಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಹೀ ಹೈ ಜೊಲಾಹಾ ಜೊ ಹೈ ಏಕ್ ಕರ್ಘಾ ಚಲಾನೆ ವಾಲಾ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೈ ಜೊ ಸೂತ್ ಕಾತನೆ ವಾಲಾ ಆಪ್ ಮಾನ್ತೆ ಕಿ ವೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಹೀ ಥೆ ನಹೀ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಹೀ ಥೆ तो क्या हिंदू थे ये ही हिंदू थे नानीगा उत्तर प्रदेश दा मघर नल्लिद्देने इल्ली मुसलमानर समाधि हागू कबीर पंथदवर समाधिगळु कबीर निधन होंदिद जागवन्न गुरुतिसुत्तवे इनकी तवारीख ही ऐसी लिखी हुई है कि जो आदमी भ्रम में पड़ जा रहा है कभी सूरज की किरण से पैदा हुए तो कभी विधवा ब्राह्मणी से पेट से पैदा हुए किताबों में लिख दिया
इसीलिए असमंजस में पड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज समझ नहीं पा रहा है क्या मानूं। कबीर साहब को ईश्वर मान लिया आपने, बोलो बताइए, मुसलमान इसको स्वीकार नहीं करता। हाँ, ना इसको स्वीकार नहीं करता, ईश्वर ईश्वर आप कह रहे हैं, कह दिए ईश्वर है। ಇಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿಯೊಂದನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಕಬೀರನ ಜೀವನ ಕುರಿತು ಒಂದು ನಾಟಕದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಸಾಹ್ ಆ ರೇ ತುಜೆ ಗಿರಫ್ತಾರ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆ ರೇ ಅರೆ ಭೈ ಅಚ್ಛಿ ಖಬರ್ ಭೀ ಲೇಕೆ ಆ ಜಾಯಾ ಕರೋ ಕಬೀರ್ ಪೆ ಬಸ್ ಚಲೋ ಇತ್ನೆ ಸಾರೇ ಲೋಗ್ ಉಸ್ಕೋ ತೋ ಆಗೆ ಆನೆ ದೋ ಉಸ್ಕೋ ತೋ ಐಸೆ ಘೇರ್ ಕೆ ರಖಾ ಹೈ ಸಾಮ್ನೆ ಲಾ ಉಸ್ಕೋ ಫ್ರಂಟ್ ಮೇ ಉಸ್ಸೆ ಪಹಲೆ ತೋ ತುಮ್ ಹೀ ಲೋಗೋ ನಾ ಉಸ್ಕೋ ಗಿರಫ್ತಾರ್ ಕರ್ ರಖಾ ಹೈ कबीर साहब के कॉस्ट्यूम को लेके बहुत दुविधा हुई हमको. बीच में एक सीन में मैंने कबीर साहब को बाराबंदी पहनाई. अब वो ऑब्जेक्शन इतने आए कि वाह साहब आपने कबीर साहब को बाराबंदी क्यों पहनाई, वो कबीर साहब तो पहनते ही नहीं थे. अब केवल छोटी धोती दिखाई तो वो भी नहीं कि नहीं साहब ये कैसे बात हुई, ये कोई इतनी सी धोती कोई पहने जाते हैं क्या. फिर बंडी पहनाई तो उन्होंने कहा नहीं आप बंडी भी नहीं दिखा सकते हो. मतलब हम आपस में भी और ऑडियंस की तरफ लिखित में मेरे पास में इतना बंच इकट्ठा है. अभी देखिए ये कॉस्ट्यूम, इसको बाराबंदी. दरअसल मतलब उस व्यक्ति चित्र को मतलब कैसा दिखा है क्या दिखा है अभी तक कहीं कुछ ऐसा फिक्र. कभी कोई दाढ़ी लगाई नहीं, दादा दाढ़ी नहीं अच्छी लग रही, दादा इसका ये कैप तो पहन ही नहीं सकते, मोर पंख तो लगा ही नहीं सकते, ये ऐसे तो बैठेंगे नहीं, इसका जेस्चर ऐसा होना चाहिए. हम उस फोटोग्राफ से ही संतुष्ट नहीं, हमको लगता ही नहीं कि ऐसा होगा कभी, ये ऐसे होंगे कभी या कैसे होंगे ये भी नहीं मालूम दरअसल. ये उलट वेद की वाणी हो कोई ज्ञानी करो विचार, ये उलट वेद की वाणी. दरअसल जो कबीर सूफियों से ले रहे थे, इस्लाम से ले रहे थे, उपनिषदों से ले रहे थे, वैष्णव परंपरा से ले रहे थे, योगियों से ले रहे थे, कापालिकों से ले रहे थे, हाँ तांत्रिक साधना से ले रहे थे, उस कबीर को एक निपट निराकार वैष्णव परंपरा के हिंदू साधक की तरह उसके सत्य को सीमित करने का दुष्ट खेल इस समय भारत में चल रहा है. कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, सब घर जो घर जा रहे हैं अपना, चलो हमारे चले हमारे साथ. तो जो लुकाठी लेके खड़ा है और जो सब घरों को जो जलाते हैं वो हमारे साथ चलने वाले को, अब उसका भी घर बनाना और उस लुकाठी को ही जो लेके वो खड़ा है बाजार में, उस लुकाठी को ही उसकी आग को और उसके उसकी जलाने की ताकत को हर लेना, वो तो उनके साथ एक तरह की ज्यादती है. जो लोग बुद्ध को भी अवतार की परंपरा में शामिल करके सोचते थे कि अंततः वे एक विराट हिंदू महासमुद्र में एक बूंद की तरह ही हो जाएंगे, क्या ऐसा हो पाया. वो निर्गुण धारा के व्यक्ति हैं और उस धारा की अपनी शक्ति है. उसको आप ये पूछें कि निर्गुण कौन देश को वासी, ये निर्गुण कहाँ बसता है, तो वो किसी देश में नहीं बसता, यही तो उसकी खूबी है. उसको किसी एक देश काल में बांध दें तो उसकी जो मुक्तता है उस मुक्तता को आप ख़त्म कर देंगे. जैसे इसे मैं अपनी ज़िंदगी में मोड़ के देखता हूँ कि लोग पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं,
आप कहाँ रहते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है? अब मेरी ज़िंदगी ही परमानेंट नहीं है और मेरी कोई अपनी अपना अपना घर नहीं है, तो मैं बेघर बार का हूँ, तो मैं कौन सा पता बताऊँ उनको? मेरा एक 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 आकाश की तरह से खुला और वायु की तरह से बहता हुआ रूप है, उसको क्यों कैद करने की कोशिश करते हैं? तो एक बेदरो दीवार का घर, एक बिना किसी जाति और वर्ण की व्यवस्था में जकड़ा हुआ एक 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 मन हो, तो उसमें क्या हर्ज है? ए अमर में एक पेड़ गिरज का वहां झूले निर्गुण का लड़का, ए अमर में एक पेड़ गिरज का वहां झूले निर्गुण का लड़का, वो जिनकी जड़ का पता नहीं पावे, जिनकी जड़ का पता नहीं पावे, घेरी मारेगा संसार ये उलट वेद की बाणी, ये उलट वेद की बाणी रे, कोई ज्ञानी करो विचार ये उल्टा वेद की बाणी। जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है और नहीं है के बीच में जो कुछ है वो अभिनय है। तो लगभग नाट्य शास्त्र के हमारी एक्सरसाइज और कबीर साहब की फिलॉसफी कहीं ना कहीं जाके एक होने लगती है कि अपने आप को खोना पड़ेगा और जब तक आप खोएंगे नहीं, अपने आप को गुम नहीं करेंगे, और इस चेतना के साथ कि गुम होना मतलब समाप्त तो हो जाना नहीं है, गुम होना मतलब एक धुन में गुम होना, गुम होना है मतलब कह दिया कि भाई आपको ख़त्म होना है तो क्या रेल के नीचे कट जाए जाके मर जाए, मतलब ख़त्म कर दिया अपने आप को लीजिए। तो ये शरीर रखे भी और इस शरीर का मैं का भाव भी समाप्त कर दे। ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನತನದ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ, ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕಬೀರ ನನ್ನ ಅನನ್ಯತೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಗಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ವರ್ಣಿಸುವ ರೇಖೆ ಅದು. ನಾನೀಗ ವಾಘ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಪಹರೆ ಸೈನಿಕರ ಬದಲಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಿಂದಾವಾ
हाँ जी कोई सर एक प्लीज आप चलिए सर सर चलिए सर आपके साथ आप चलिए सर हमारे पास आ गए जी फ्लैश नहीं आ गई थैंक यू दीक्षित भाई साहब चलो प्लीज मैडम चलिए अभी मैडम प्लीज चलिए आप चलिए आप चलिए आप चलिए बाका आज सारे संसार विच प्रसिद्ध हो गया है अभी टांग बहुत धीमी से ऊंचे कर रहे हैं थोड़ा सा जोश से की हाँ ये हुई ना बात वाघादिंद वापस बरुवागा स्थलीय बस नली ही गुंत चर्चे मेरी इच्छा हो रही थी उनको मारने की वहाँ क्यों हो रही थी क्योंकि वो ज्यादा हुटिंग कर रहे थे ना वो ज्यादा कर रहे थे वो इतने से लोग थे और हुटिंग बहुत ज्यादा को देख करके अपनों को ऐसा लगता है क्या इनसे समझौता हो सकता है झंडा उतरने के बाद जब गेट बंद हो गए थे दोनों साइड से उसके बाद कुछ लोग उधर से नाच रहे थे बॉर्डर पे वहीं के गाने गाने बज रहे थे और नाच रहे थे वो तो क्या ये सही है आप लोगों से पूछना चाहता हूँ गलत आप में और हम में इतना उत्साह नहीं था कि हम नाचे हमको भी अपने देश से इतना प्रेम होता तो हम भी नाचते और सामने मैं हाँ करूंगा गुस्सा तो आएगा वही बात है स्वाभाविक गुस्सा आना है ना उसमें तो पर हर आदमी जिस मुल्क का है वो अपने मुल्क से प्रेम करेगा ये स्वाभाविक है और करना ही चाहिए करना चाहिए और जो अपने मुल्क से प्रेम नहीं करे वो गद्दार है चाहे उस देश का हो चाहे इस देश का हो आपने एक बात और नोट करी उनका झंडा हमारे झंडे से बाद में उतरा झंडा क्या जानबूझ के झटका एकदम सीधे उतर रहा था उनका झटका मार मार के धीरे धीरे उतारा इसका क्या तात्पर्य मानते हैं कोई भी हुआ तात्पर्य मालूम है जो मुस्लिम समुदाय है वो एकदम कोई भी चीज नहीं करता वो झटके से करता उल्टे तरीके से करता अपने धर्म से पूरा उल्टा जब वो परेड ले रहे थे उनकी टांग देखी थी ऊपर कर देते पूरा वो नाचते हुए जा रहे थे अपने इधर के नाचते हुए बिल्कुल सम्मान से कड़क होके जा रहे थे और वो बुलंद पूरा नाचते हुए जा रहे थे घूमते हुए नहीं मतलब बॉर्डर पे रहना है आपको तो दो ही सब मिलजुल के ऐसे भाईचारे से रहना चाहिए कोई दिक्कत ही नहीं आए कभी भविष्य में ऐसा समझ नहीं आया भाई भाई तो तुम्हारा भाई भाई लेकिन वो इतनी फिजरा फैला रहा है कबीरा बस अंत नानू योचने जीत तैं उम्र गुजारी हुण ते हार फकीरा जीते दा मुल चार कौड़ियां ते हारे दा मुल हीरा आ सर दर कदम यार फिदा शुद च बजा शुद ये सर अगर उस मालिक के कदमों में कुर्बान हो जाए तो बड़ी इबादत है क्योंकि ये एक बड़ा बोझ है मेरे ऊपर उतर जाए तो अच्छा है ना सूफी कहता है
क्योंकि उसे अपने सर से प्यार नहीं है, उस सर से प्यार है जो सबका सर है। सरदर कदम लार फिदा शुच बजा शुद्ध ई बार गिरा बू देवता शुद्ध च बजा शुद्ध नाल माही तन लगिया दुनिया पाकिस्तान पाकिस्तान कराची नाल माही तन लगिया दुनिया दुनिया प्रहलाद टिपान्या ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರು ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸೋದಕ್ಕೆ ವೀಸಾ ದೊರೆಯಿತು. 1947 ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ ಗಡಿಯನ್ನು ನಾವು ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ರಾಮ ಹಾಗೂ ಕಬೀರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೋ ಏನೋ. ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಖವ್ವಾಲಿ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗುಲಾಂ ಆಲಂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದವು. ಮೇರೆ ಪೂರ್ವಜ ಮೇರೆ ನಾನಾಜಿ ದಾದಾಜಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆ ಥೆ. हम लोग भी बेसिकली क्या कहते हैं दिल्ली के हैं. अच्छा जी जी. वहाँ का एक इलाका है चांदनी महल. चांदनी महल हमारे दादा का है और वहाँ पे अभी भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं. तो आप आते जाते रहते हैं? जी, बीच में कुछ गैप हो गया था जो हुकूमतों के दरमियान होता है. आर्टिस्टों के दरमियान तो नहीं होता है ना कोई गैप. जी, आर्टिस्टों के आवाम के दरमियान तो कोई गैप नहीं होता, सिर्फ हुकूमतों के दरमियान होता है. तो कुछ वीज़ा की प्रॉब्लम वगैरह की वैसे बीच में 5-7 साल 8 साल नहीं गए थे. हमारे फोर फादर हैं तांदस खान साहब. अच्छा. जो बहादुर शाह जफर के उस्ताद हुआ करते थे. आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर के उस्ताद हुआ करते थे. और हम लोग 700 साल से कव्वाली कर रहे हैं. 700 साल से कव्वाली कर रहे हैं? जी बिल्कुल. वैसे कराची शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है. जी, और यहाँ के रहने वाले भी दिल के बहुत बड़े हैं. जी, ये भी बता दूँ आपको, आपके कराची में इन बसों को इतना संवारते हैं, सजाते हैं. इतने की गाड़ी नहीं होती जितना ये लोग क्या कहते हैं उसे मेंटेनेंस पे लगा देते हैं. सही बात. ये हमारा घर है रजी मंजिल. वाह. मेरे वालिद के नाम से. तो मेरी नज़र में कबीरदास रहमतुल्लाह अलैह, कबीरदास रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए. नहीं बेटे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर. मेरे नज़दीक जो मेरा कबीर है वो ये बैठे हुए हैं. ये मेरे वालिद साहब अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मुझे इस इल्म के बारे में और मौसीकी के बारे में और दूसरे तमाम उलूम के बारे में मुझे ठूस ठूस कर भरा है और इतना भरा है कि मैं इत्मीनान से हूँ. आप मुझे शबनम जी ये बताइए कि आपने कबीरदास को किस किस रंग में देखा है. मेरा ये ख्याल है कि आपने अभी तक कबीरदास का एक ही रुख देखा है. आप बताइए आपने कबीरदास को क्या जानने की कोशिश की है. पानो लग रहा
कबीर साहब के वालिद का नाम मालूम है आपको? कबीर के वालिद? वालिद यानी पिताजी? पिताजी। वैसे जिनके यहाँ वो पले, उनका पालन पोषण हुआ, उनका नीरू। कबीर कहाँ से आए थे, किस इलाके से आए थे, ये मालूम है आपको? कबीर को बहुत गहराई से मैंने पढ़ा है। हाँ जी। और मैंने न सिर्फ पढ़ा है बल्कि मैं कबीर से मिला हूँ, मैंने कबीर को देखा है, मैं कबीर को जानता हूँ। कबीर कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं, मैं उसका राजदार हूँ, मैं उसका राजदार हूँ। कबीर मेरा मजमून है, कबीर मेरा टॉपिक है, तो मैं कबीर के ऊपर कोई बारगेनिंग करने को तैयार नहीं हूँ किसी से। मैं कबीर के ऊपर आपसे कोई किस्म का, क्या कहते हैं वो, मुआहिदा करने को भी, कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप मेरे मुल्क में आए, बहुत दूर से आए हैं, मेरे घर में आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो मैं आपकी बात को यूं करके बर्दाश्त कर जाऊँ। मैं कबीर के ऊपर कोई चीज़ बता, जी हाँ, तो वो हम खुश हैं। मैं समझता हूँ कबीर मेरा है, और मैं उसके अंदर आमतौर अभी तक मैंने शेयर नहीं किया। गुरु ना माने तो गुण नहीं आवे, गुरु बिन कैसे गुण गावे, गुरु ना माने तो गुण नहीं आवे, गुरु ना माने तो गुण नहीं आवे, और गुनियन में बेगुनी कहावे। भला हुआ मोरी गगरी फूटी, 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 मैं बनिया भरन से कबीर को समझने के लिए शबनम जी, आपको ज़रूरी है कि अपने मेंटल लेवल को बिल्कुल पहले क्लियर कर दें, बिल्कुल साफ कर दें। कबीर को आप पहले एक इंसान समझें, तब आप कबीर तक पहुंच सकती हैं। कबीर खाता भी था, कबीर पैखाना भी करता था, पखाना वो जो बाथरूम के लिए जाना होता है, कबीर पखाना भी करता था, कबीर भूखा भी रहता था, कबीर हंसता भी था, कबीर रोता भी था। कबीर को अगर आप एक सुपर नेचुरल चीज़ समझ कर आप चलेंगे तो आप कबीर को कभी नहीं पा सकेंगे, कबीर को आप कभी नहीं पा सकते। सर से टली बला हो ए कबीरा, कबीरा कुआं एक है, एक है कबीरा कुआं एक है, और पानी भरे अने। आप बाकी सूफी संत कवियों का भी कलाम गाते हैं, तो आप कबीर साहब की वाणी उनमें कहाँ मुख्तलिफ पाते हैं और कहाँ बिल्कुल वही वही की वही? कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है। गुरु नानक हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद हैं, बाबा बुल्ले शाह हैं, हजरत सुल्तान बाहू हैं, ये तमाम वो ये एक ही कबीले के लोग हैं, लेकिन इनके अंदाज़े बयान थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कबीर जो हैं सिर्फ वाहिद हैं कि जो नंगी शमशीर हैं। कबीर ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कबीर ने जो देखा वो कहा, और जो सच देखा वो कहा, और सच के अलावा कुछ नहीं कहा। क्या बात,
کبیر نے سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہا. باقی دیگر لوگوں نے اس میں تھوڑا سا کمپرومائز بھی کیا ہے. کہیں پر مسجد لے کر آ گئے ہیں, کہیں پر مسجد کو بچایا ہے, کہیں مندر کو توڑا ہے, کہیں کلیسا کو توڑا ہے. کبیر نے سب کچھ توڑ دیا. اور پانی بھرے انیک, ارے بھانڈے ہی میں بھید ہے. یہ جو بھانڈا ہے اس بھانڈے ہی میں بھید ہے, اور پانی سب میں ایک. دس بارہ دن پہلے میں کبیر کے بارے میں سوچ رہا تھا, سن رہا تھا, تو میں نے وہاں پر بیٹھ کے ایک پینٹنگ بنائی. اس پینٹنگ کا نام میں نے لیا سمبل کوئک. سمبل کوئک, کوئک کہتے ہیں نا زلزلے کو. سمبل کوئک, بھوکمپ ہوتا ہے, وہی وہی. تو میں نے اس کو سمبل کوئک اس کا نام لیا. اور اس کے اندر میں نے دیا کیا تھا کہ وہ ایک بہت خطرناک قسم کا زلزلہ آیا ہے, وہ زلزلہ کبیر ہے, اور اس نے ایک طرف مسجد کے مینار ٹوٹے ہوئے ہیں, ایک جگہ مسجد ٹوٹی ہوئی ہے, ایک جگہ وہ کیا نام ہے ان کا, وہ کرشنا جو ہے اپنی بانسری لے کر الٹے پڑے ہوئے ہیں. تمام جو مذاہب کے سمبلس ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں, اور کبیر ان سب کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ڈنڈا لے کر. یہ کیا لے کے, یہ کیا تم نے بنایا ہوا ہے؟ اس کے اندر مسجد کو توڑنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے, چاہے اس کو سمبل ہی کیوں نہ ہو. مندر کو توڑنا آپ کے بس کا بھی کام نہیں ہے, چاہے وہ سمبل ہی کیوں نہ ہو. بالکل صحیح, آپ کے بس کا نہیں ہے. ان تمام کو اگر کوئی توڑ سکتا ہے, جس نے توڑا ہے, تو اس کا نام ہے کبیر. یاد آتا ہے اس پہ, کبیرا کھڑا بازار میں لیے لکاٹی ہاں, جو گھر بارے آپ نہ چلو ہمارے. ہم تھوڑا سا ابھی یہ ریفریشمنٹ لیں گے, اس کے بعد پھر باتیں کریں گے, اس کے بعد پھر ہم کھانا کھائیں گے. رام نام کی, رام نام کی کھوٹی گاڑی سورج تانا تنتا. رام نام کی کھوٹی گاڑی سورج تانا تنتا. رام نام کی کھوٹی گاڑی, رام نام کی کھوٹی گاڑی سورج تانا تنتا. چڑھتے اترتے دم کی خبر لے, چڑھتے اترتے دم کی خبر لے, چڑھتے اترتے چڑھتے اترتے چڑھتے اترتے دم کی خبر لے. پھر نہیں آنا بنتا کبیرہ. میرے والد صاحب قبلہ رحمتہ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیر آر ٹو تھنگس, جاننا اینڈ پہچاننا. پہچاننا سیکنڈری پارٹ ہے, کسی چیز کو پہلے جانا جاتا ہے اور اس جانکاری کے سبب وہ چیز پہچانی جاتی ہے, اس جانکاری کے سبب وہ پہچانی جاتی ہے. لیکن اگر جو شخص صرف پہچان کے اندر رکھا ہوا ہے, تو پہچان جو ہے جسٹ لائک اے پیکنگ لیبل. اور یہ بہت اچھا ہو گیا, یہ بہت اچھا ہو گیا, یہ تو بہت اچھا ہو گیا. بیٹا دروازہ کھول دو. میں ابھی شبنم جی, چونکہ اندھیرا ہو گیا تو اس لیے آپ مجھے ہاں ہاں ضرور کرتے رہیے. ابھی ہم اور آپ جو ہے کبیر کو الفاظوں میں یا اس میں لینگویجز میں تلاش کر رہے ہیں. کبیر نے لینگویجز کا چولا نہیں پہنا ہوا ہے. کبیر نام ہے ایک تھیم کا, کبیر نام ہے ایک کانسیپٹ کا, جو مختلف جگہوں پر مختلف ناموں سے وہ سنائی دیتے ہیں. مالا جپوں نہ کر جپوں اور مکھ سے کہوں نہ رام, رام ہمارا ہمیں جپے رے, رام ہمارا رام کبیرہ.
کبیر کی نالج، کبیر کی جانکاری آپ کو یونیورسٹی سے، اسکالرس سے، پروفیسر سے نہیں مل سکتی۔ کبیر کے لیے آپ کو کبیر کے پاس ہی جانا پڑے گا اور یہ تمام بندھنوں کو توڑ کر جانا پڑے گا۔ کبیر کے پاس پہنچنے کے لیے آپ کو کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ویزا چاہیے، اور وہ ویزا آپ کو جبھی ملے گا جب کبیر خود دینا چاہیں گے، کیونکہ پاکستانی یا ہندوستانی، یہ تمام، یہ کبیر ان سب سے بیونڈ ہے، کبیر ان سب سے بیونڈ ہے۔ وہ شخص کہ جو کسی اور ملک کا شہری ہے اور کسی ایسے ملک میں جا رہا ہے جس کی کوئی سرحد نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ اس کو روک نہیں سکتے۔ پرندوں پہ کوئی ویزا ہے؟ یہ امیگریشن والوں کے سامنے سے پرندے اور کتے اور بلیاں سب آتے جاتے ہیں، تو کون روکتا ہے ان کو؟ حد حد ٹپے یعنی پار کرے گزر جائے، حد حد ٹپے سو اولیا، جو باؤنڈری میں رہ کر چلتا ہے وہ اولیا ہے۔ حد حد ٹپے سو اولیا اور بے حد ٹپے سو پیر، حد حد ٹپے سو اولیا اور بے حد ٹپے سو پیر، حد حد ٹپے سو اولیا۔ انسان کی ترقی کی جو چھ منازل ہیں ان میں سے تین منازل جو ہیں اوپر کی، وہ اولیا، پیر اور فقیر کی ہے۔ فقیر سب سے آخری منزل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حد حد ٹپے سو اولیا اور بے حد ٹپے سو پیر، حد انحد دونوں ٹپے، حد انحد دونوں ٹپے، حد انحد دونوں ٹپے سو وا کو نام فقیر کبیرا، وا کو نام فقیر کبیرا، وا کو نام فقیر کبیرا، حد انحد حد انحد حد انحد دونوں ٹپے، حد انحد دونوں ٹپے، دو وا کو نام فقیر کبیرا، وا کو۔ وہ کنارا چلا کہ ناؤ چلی جس کے جیسے دھیان میں آئی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب سخت آپ کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، دریا کے کنارے پہ یا سمندر کے کنارے پہ، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کشتی آ رہی ہے، اور کشتی والا جو کشتی میں کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے کنارا آ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، کوئی آتما، وہ ان سب سے اوپر ہے، تو اس کے لیے نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے۔ یہ تو آنے جانے والے کے لیے، کبیر جو ہے وہ آتما ہے کہ جو اس تمام چیزوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اس کی جو تھیم جو ہے، اس کا جو نالج ہے، وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے اور ایسا دیکھ رہا ہے۔ حد حد کرتے سب گئے اور بے حد گئے نہ کوئے، انحد کے میدان میں، انحد کے میدان میں رہا کبیرا سوئے کبیرا، رہا کبیرا سوئے کبیرا، رہا کبیرا سوئے کبیرا، رہا کبیرا سوئے کبیرا، اے بھلا ہوا مری مالا ٹوٹی، بھلا ہوا اے مری مالا ٹوٹی، بھلا ہوا مری مالا ٹوٹی، میں رام بھجن سے چھوٹی رے مور سر سے ڈلی، بھلا ہوا مری مالا ٹوٹی، بھلا ہوا مری مالا ٹوٹی، میں رام بھجن سے چھوٹی رے مور سر سے ٹلی، بلا مور سر سے ٹلی۔ میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اللہ بھائی، شبنم جی آپ کا طبیعت بھری ہو نہ بھری ہو، مگر میری طبیعت نہیں بھری، میری طبیعت نہیں بھری، بالکل سیدھی سی بات۔ آئیے آئیے آئیے، چونکہ میرا اپنے طور پر، پرسنلی طور پر یہ دعویٰ ہے، اپنے لیے دعویٰ ہے کہ کبیر کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا۔ کیا بات، ٹھیک ہے۔ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗೋದು ಅಂದರೆ
ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಆ ರಾಮ ಹಾಗೂ ಆ ಕಬೀರನನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಣೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವೇ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಸ್ಲಾಂ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸೂಫಿ ದನಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ. वैसे ये कि मेरा जन्म जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है. अच्छा. गडरो सिटी, अब एक इंडिया में गडरो स्टेशन. हाँ. वो उसी शहर की स्टेशन है. अच्छा. लेकिन बंटवारा ऐसा हुआ कि स्टेशन इंडिया में चली गई और शहर पाकिस्तान में चला है. अच्छा. ओ मेरे ननियाल, मेरे वालद के ननियाल, मेरे वालदा के ननियाल इंडिया में. हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं. ये सारे जो मिलन है ऊपर से बनते हैं, वो बनाने वाला बनाता है. किसको किस जगह पे मिलना है, बस वो हमें एक्टिंग करनी है, अपना रोल प्ले करना है, कर रहे हैं. अरे भाई भाई, जो गुरु के पाँव छो. हद में हर कोई चले, ला हद चले सुपीर, हद ला हद से न्यारा चले उसका नाम फकीर. इसलिए कबीर ने एक जगह पर कहा कि हद में पीव न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम लखन तासो पीव हजूर. तो अब जो हद से बाहर हैं बस वही उससे जुड़े हुए हैं. हमारे फकीर साहब ने कहा है, अल्लाह छड़ियाऊँ ओ रहा हूँ. अब ये हद की बात है, अल्लाह छड़ियाऊँ ओ रहा हूँ. मकसद ये कि अल्लाह को पीछे छोड़ दिया, पीछे रह गया, पर आऊँ पंद प्या. मकसद उसका जो सफ़र है वो उससे आगे का है. जिस जगह से अल्लाह की हद ख़त्म हो जाती है वहाँ से फ़कीर की हद शुरू हो गई. क्योंकि अल्लाह ज़मीन पे है, ऊपर ना अल्लाह. अगर ऊपर बंदा चला जाए तो अल्लाह और बंदे में फ़र्क नहीं रहता. अल्लाह छड़ियाँ ओ रहूँ पंथ परा हूँ प्या, बिना नाले सुप्री. जिस जगह पे कोई नाम नहीं है, बस तू ही की बोली है. साचा साहेब तो साचा साहेब विक तो तू तू साचा साहेब विक तू 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 साचा साहेब विक तू तू साचा साहेब एक तो बंदा आशिक तेरा, बंदा आशिक तेरा साचा साहेब एक तो साहेब एक तू गरे गरे गम गम गरे बम गे
राग भी सुरों के संगम से बनता है, संगीत सिखाता है मिल बैठना, संगत करना, और सत्संग से संगीत निकला है। सत्संग सात संग मिले तो सात सुरों का संगम एक राग को जन्म देता है। और गायन विद्या की पूरी दुनिया इन सात सुरों में समाई हुई है। इसी में उजाड़ भी है, प्रेम भी है, बारिशें भी है, आग भी है, अगन भी है, लगन भी है। सारे जगह गे गे रे गे रे माउ माउ माउ, सारे जगह गे गे रे गे रे माउ माउ माउ, गा माउ गा पा पा पा, मा बा धा पा पा, मा बा धा पा पा, धा पा पा, धा पा धा पा, धा पा धा पा, मा बा नी धा पा, नी धा नी धा पा, सा नी धा पा, नी धा पा, नी धा नी धा पा, धा मा पा गा मा रे गे रे सा, सिफ्ट तुम्हारी क्या करूं, dum 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 सिफ्त तुम्हारी क्या करूं, तुम गहीर गंभीरा सूरत में मूरत बसे, सूरत में मूरत बसे, खोए निरख कबीरा साचा साहेब रिक तो खोए निरख 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 खोए निरख कबीरा साचा साहेब रिक। क्लासिक निकला ही फोक में से, अब ये दुनिया का सिस्टम ही कुछ उल्टा है। मौसीकी की ये माँ है, अब जो मदर थी उसको पोती बना दिया। अब मसला क्या है, जब मज़हब पंडितों मुल्लाओं जाकरों के पास आया तो उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया, जो मज़हब की रूह थी उसको छोड़ दिया। धर्म, धर्म जब मुल्लाओं पंडितों ब्राह्मणों जोशियों और महाराजों के पास आया तो उनका प्रोफेशन था, उन्होंने प्रोफेशन बुलाया। और प्रोफेशन और इश्क में फ़र्क है। प्रोफेशन वो देखता है कि मुझे प्रॉफिट कितना होगा, और इश्क जो है वो ये नहीं सोचता कि मुझे घाटा क्या होगा। तो जब राग घरानों के पास आया, राग के पंडितों के पास आया, तो उन्होंने अपने अपने मंदिर और मदरसे और कुटियाएं कायम कर दी कि जो हम कहते हैं वो सच्चे लोग कहते हैं वो झूठ है। इसलिए ये काम मुतजाद हो गया जी। नहीं तो राग बड़ी चीज है, राग सिखाता है मिटना, झुकना, क्या बात, अपने आप को मिटाना। और जो सुर का समरण करे, सुर को समरे, तो उसको हर मिलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि संतों ने साधुओं ने गा के बजा के नाच के अपने हरि को मनाया। किताबें पढ़ने वाले ऐसे रह गए। वो सजाएं सुनाते रहे कि फलाने जो ये जुर्म किया इसको सजा दे दो, लेकिन किसी साधु ने किसी को सजा नहीं सुनाया। बिल्कुल ठीक है। तो इनकी सोहबत में, इनकी संगत में जो भी आए साधु, जहाँ भी बसे, आपने देखा कि जिधर बैठ गए, झाड़ियों में बैठ गए तो शहर बना दिए, और दुनिया वाले बैठे तो शहर बर्बाद कर दिए, एक बम से पूरा शहर खत्म।
मैं नहीं बस तू, मैं नहीं बस तू, मैं नहीं बस तू, तू 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 मैं नहीं बस तू। खबर तहय्युर इश्क सुन, खबर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, न तो तू तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। आदमी बन आया रे ढोला, आदमी बन आया रे। बाबा जी दुआ करो कि इनको कबीर की इनको कबीर की समझ आ जाए, ताकि फिर कबीर ही कबीर मर जाए। जितना मैं कबीर को समझता जाता हूँ या जहीन शाह साहब को समझता जाता हूँ, उतना ही ज़्यादा मुझको ये एहसास होता जाता है कि मैं कुछ भी नहीं समझता। ये एक ऐसा सफ़र है, इसमें एक नशा है, इस सफ़र में एक नशा है। उस नशे को पाने की कोशिश कीजिए, उस नशे को पाने की कोशिश कीजिए। और मैं कहूँगा कि मज़ा नहीं आए तो पैसे वापस। हाँ, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। मेरे सराहना सिर्फ आप जैसे लोगों से, क्या कहते हैं उर्दू में, वाबस्ता। हाँ, वाबस्तगी हाँ। का मौका मिला है, ये मेरी खुश नसीबी है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, मगर सिर्फ दुआओं से काम मत चलाइए। सिर्फ दुआओं से काम मत चलाइए, इसके लिए कोशिश करते रहिए। क्योंकि अगर आप इस काम को किसी प्रोजेक्ट के तौर पर कर रही हैं, तो ये प्रोजेक्ट 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। इट डजंट मैटर, क्योंकि भास्वत इसने ख़त्म होना है। वो भी आप इसको करते रहिए, लेकिन इसको अपनी, अगर आप ज़िंदगी का प्रोजेक्ट बनाएंगे, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का प्रोजेक्ट बनाया, तो आप सुना कि नहीं, कबीर खाली कबीर का प्रोजेक्ट मत करना। हाँ हाँ, आप इसको ये और आगे इसको अगर आप कबीर के प्रोजेक्ट को अपनी ज़िंदगी का प्रोजेक्ट बना लेंगे, तो आपको शांति मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और वो कुछ मिलेगा उसका जवाब, कि जो मैंने सवाल बताए थे ना, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाना है। क्या बात है, कैसी बात है। अच्छा, और एक चीज़, बहुत सारी चाबियाँ मिल गई हैं, मगर मेरी होटल की चाबी भी मिल गई। मैंने उठा के रखी थी। बहुत सारी चाबियाँ मिल गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुन रहा हूँ। मैं बिल्कुल उससे वो नहीं हूँ, मुझे मालूम है कि वो कहाँ बात कर रही है। और मैं चाहता हूँ कि उसको मास्टर की भी मिल जाए। ये क्या, मिल तो गई मास्टर की, और क्या। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सबका ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। ओके जी, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल। पी ढूंढन में निकली घर से, पी ढूंढन में निकली घर से, और पिया बसो मुरे मन में। पी ढूंढन में निकली घर से, और पिया right janab, 7:30 on the dot. Assalamu alaikum, hello and good morning Karachi. Suraj ki dastak liye ek baar phir. Haan ji, Hafiz ke hande. Haan haan, hazir hain. Bhai Multani ghar mein. I have some really, really, really special guests with me.
ये एक स्पेशल बैंड मौजूद है स्पेशली फ्रॉम इंडिया मध्य प्रदेश, और मैं इनको कहना चाहूँगी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। अगर आप कुछ गुनगुना सकें थोड़ा बहुत हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए। और सकल हंस मेरा में विराजे, अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं, अरे सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुनगा दूजा नहीं, हाँ सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरन दूजा नहीं, अरे तीन गुण पर तेजे हमारा, अरे पास तातु पर जोत जड़े, तीन गुण पर तेजे हमारा, अरे पांच तत्व पर जोते जले, पांच तत्व पर जोते जले। मक्खी और परवाने का किस्सा है। मक्खियों ने दावा किया किंग ऑफ परवाना से कि भाई हमारे भी पर हैं, हमारे भी, हम भी उड़ना जानते हैं, हम भी तुम्हें जैसे हैं, तो आप हमको परवाना मान लो। तो शाह परवाना ने कहा कि भाई जाओ और रोशनी तलाश करो, जाओ और रोशनी तलाश करो, परवाने का काम सिर्फ रोशनी तलाश करना है। तो वो मक्खियाँ उड़ी, मक्खियाँ कोई 10-15 मिनट में गांव देहातों में इधर उधर गई और जाकर उन्होंने फौरन भर वापस आई कि फलाने गांव में रोशनी हो रही है, फलाने में दिया जल रहा है, फलाने में आग जल रही है, वहाँ पर चिता जल रही है, भर 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 आकर बैठ गए। अब वो मक्खियों ने बादशाह से कहा कि जी वो आप फैसला कीजिए, कह रहे हैं फैसला क्या करें, कहेंगे जब वो आएंगे तो, जब आपके परवाने आएंगे तो पता चलेगा कि वो कामयाब रहे कि हम कामयाब। तो परवाना के, परवानों का बादशाह कहता है कि बेटा फैसला तो हो चुका। कहेंगे जी क्या फैसला हो चुका, तो कहा कि उल्लू के पट्टो जिसको रोशनी मिल गई है उसको वापस आने की क्या जरूरत है, जो रोशनी जिसने पाली वो तो कुर्बान हो गया, वो तो एक हो गया। जिनको कामयाबी, जिनको जिनको सर्टिफिकेट चाहिए था, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए, तो इस वक्त हम सर्टिफिकेट का काम कर रहे हैं। हम जो है कभी हर सकल हंस मेरा में विराजे, अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना हो कोई धामे नहीं, सबर बंद में जो तवासा, राम को सुमरन दूजा नहीं, आहीरा जो मोती लाले जवारत, अरे प्रेम पदारथ पर को यही, हीरा जो मोती तू लाले जवारत, अरे प्रेम पदारथ पर खो यही, प्रेम पदारथ पर खो यही, हाँ साचा मोती सुमर लेना, राम धनी से मारी डोरे लगी, हाँ साचा मोती सुमर लेना, राम धनी से मारी डोरे लगी, हर सकल हंस मेरा में विराजे, अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना हो कोई धामे नहीं, अरे सबर बंद में जो तवासा, राम को सुमरन दूजा नहीं, हाँ सबर बंद में जो तवासा, राम को सुमरन दूजा नहीं।